नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार को जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्यामनगर इलाके में उनके घर के बाहर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मारी है। जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजी जॉर्ज जोसेफ ने जानकारी देते हुए बताया कि गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। सुखदेव सिंह के आवास के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। जानकारी के अनुसार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 4 गोलियां मारी गई हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मंगलवार दोपहर करीब 1:45 पर श्यामनगर जनपद स्थित घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान स्कूटर पर दो बदमाश आए। हमलावरों ने गोगामेड़ी पर फायरिंग कर दी। आपको बता दूं कि इसमें किसका हाथ बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लारेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को धमकी भी दी थी। इस मामले में करणी सेना ने जयपुर पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लंबे वक्त से राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े हुए थे। हालांकि बाद में करणी सेना संगठन में विवाद के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था। गोगामेड़ी इस संगठन के अध्यक्ष थे। बता दें कि साल 2017 में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान जयगढ़ में राजपूत करणी सेना के लोगों ने जमकर हंगामा किया था। फिल्म पद्मावत को लेकर राजस्थान में हुए प्रदर्शन से चर्चा में गोगामेड़ी आ गए थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के निधन पर भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या के समाचार से स्तंभ हूँ। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा है। सामाजिक जनों को शांति और धैर्य रखना होगा। भाजपा सरकार के शपथ लेते ही राज्य को अपराध मुक्त करना हमारी अग्रणी प्राथमिकताओं में से एक है। गोगामेड़ी जी की आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें। परिजनों और समर्थकों और शुभचिंतकों को संबल प्राप्त हो। आपको बता दूं कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लगातार जो है ये मामला ट्रेंड कर रहा है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। जैसे ही कुछ नया अपडेट निकल कर आएगा आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा।